हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडसॉर्बेंट इज यूज्ड इन थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। चार ऑप्शन है, सिलिका जेल, एलिमिना, सोडियम बेंजोएट या बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी अपने टेक्निक्स के बेसिस पे काफी पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, बहुत सारी कैटेगराइजेशन हो सकती है। तो उसमें हम अगर टेक्निक की बेसिस पे जाएं तो अगर एडसॉर्प्शन के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड ऑन एन एडसॉर्बेंट, तो उसको हम कहते हैं एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो उसको एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। अब एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में ही एक टाइप आता है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, जिसे हम शॉर्ट में TLC भी कहते हैं, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, एडसॉर्प्शन टेक्निक लग रही है। तो जनरली क्या होता है, ग्लास की प्लेट होती है, उस ग्लास की प्लेट के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, थिक 0.2 mm के अराउंड की कोटिंग होती है, किसकी, एडसॉर्बेंट की, जो कि स्टेशनरी फेज का काम करता है। और ये जो एडसॉर्बेंट होता है, ये ज्यादातर क्या होता है, सिलिका होता है, सिलिका जेल, या फिर क्या होता है, एलिमिना होता है। ठीक है, सिलिका जेल इज नथिंग बट SiO2 का पेस्ट और ये Al2O3 का पेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही एडसॉर्बेंट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ए और बी। सो इस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन सर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।